दिल्ली स्पेशल आप देख रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए बीजेपी के एससी मोर्चे ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। बीजेपी के एससी मोर्चे के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार से पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए कम करने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के एससी मोर्चा ने केजरीवाल सरकार पर पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए कम कर दिल्ली वालों को राहत देने की मांग को लेकर सीएम पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार पर दबाव तो तब बनता जब प्रदर्शनकारियों की कुछ संख्या तो होती। इतने प्रदर्शनकारी पहुंचे कि उनको उंगली पर आसानी से गिना जा सकता था। प्रदर्शनकारियों से ज्यादा तो वहाँ पुलिस वाले तैनात थे उनको रोकने के लिए। बीजेपी के मोर्चा का कहना है कि दिल्ली सरकार ने वैट के जरिए कई हजार करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके अवज में दिल्ली सरकार चाहे तो वो 5 से 10 रुपए तक कम करके दिल्ली वालों को राहत दे सकती है। देखिए, डीजल और पेट्रोल हर आम आदमी की जरूरत की चीज है। कोई भी चीज टेम्पुओं के अंदर, बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, स्कूटर के अंदर, हर चीज के अंदर डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। और उसी पे अगर केजरीवाल सरकार, जो दिल्ली की जनता का अधिकार है, वो नहीं देगा तो दिल्ली की जनता का काम कैसे चलेगा? जब यूपी में कम हो गया, हरियाणा में कम हो गया, तो दिल्ली का केजरीवाल सरकार क्यों नहीं कम करेगी? केवल इसलिए राजनीति में, उसको केवल राजनीति के अलावा और कुछ आता नहीं है। केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते पहले पेट्रोल डीजल पर 2.5 रुपए की राहत दी थी। इसमें 1.5 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से थे और 1 रुपया तेल कंपनियों को कम करने के लिए कहा गया था। लेकिन बीते 1 सप्ताह में डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की वजह से तेल की कीमत एक बार फिर उसी स्तर पर पहुंच गई, जहां से मोदी सरकार ने पैसे को कम किया। इस सवाल पर बीजेपी के महामंत्री भड़क गए और कहने लगे कि जिसको जो काम मिला है वो करते नहीं, मोदी जी को देश की जनता बता देगी। भैया, मोदी जी को काम मोदी जी का करने दो और अपना काम तो करे। हर आदमी की प्रॉब्लम क्या हो गई है? अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी नहीं, दूसरे को शिक्षा देनी। भैया, तेरे को जिम्मेदारी दी है दिल्ली की जनता ने और दिल्ली के लिए काम करने, आप दिल्ली का काम कीजिए। मोदी जी को देश की जनता अपने आप जो भी निर्णय होगा वो करेगी। आप दिल्ली की अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरी करें, ये मेरा केजरीवाल को कहना है। दिल्ली में इस वक्त डीजल पर 17 रुपए और पेट्रोल पर 23 रुपए का वैट है, जबकि केंद्र सरकार ने पिछले बुधवार को एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी 14 से 11% कर दी। केंद्र सरकार अपनी कम की गई कीमतों पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने वैट कम नहीं करने की बात कहकर दिल्ली वालों को राहत देने से मना कर दिया। अनिल सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।